जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? जब आप किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो शुरुआत में मेहनत ज्यादा करना होता है और मिलता कम है। शुरुआत में क्या होता है? मेहनत ज्यादा होता है, एकम्प्लिशमेंट लिटिल होता है, बिल्कुल छोटा। फिर और आप बढ़ते अगर चले गए, आप रुके नहीं, तो एक ऐसा इंटरमीडिएट पोजीशन आएगा जहां पे जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। शुरुआत में क्या था? मेहनत खूब करेंगे, मिलेगा बिल्कुल थोड़ा। अगर आपने साल 2 साल उसके ऊपर दे दिया तो जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। और अगर 3 4 साल रुक गए, मेहनत थोड़ा करेंगे मिलेगा इतना। और एक दिन ऐसा आएगा, कोई मेहनत नहीं, बस आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। सही है ना? तो ये जितने क्विट करने वाले होते हैं ना, फर्स्ट स्टेज में ही क्विट कर देते हैं, जहां पे कि मिलता कम है और मेहनत ज्यादा करना होता है। सेकेंड स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। 95% लोग सेकेंड स्टेज में पहुंच ही नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए कि अगर दूसरा स्टेज पार कर गया, तीसरा स्टेज पार कर गया, चौथे स्टेज में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। बैठे बैठे पैसा आपके घर आएगा, बैठे बैठे लोग आपके घर आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए, रुकना पड़ेगा, बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। अगर सूरज भी बोरियत फील करने लगे ना तो चमकेगा कैसे? उसको रोज एक ही काम करना होता है, फिर भी बोर नहीं होता। यहाँ पे 4 दिन एक काम कर लिया तो बोरियत आने लगती है। और पता है बोरियत क्यों आती है? नेचर की कोई भी चीज बोर नहीं होती है। चिड़िया उड़ते उड़ते बोलेगी मैं बोर हो गई, पेड़ बढ़ते बढ़ते बोल रहा है मैं बोर हो गया पढ़ते बढ़ते, अब उसकी पत्तियां हरी रहते रहते बोर हो गई, मछलियां पर तैरते तैरते बोर हो गई। ये सब नेचर की चीजें बोर क्यों नहीं होती? हम क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि बोरियत और काम, इन दोनों में हमें फर्क समझना है। जब भी आप एक किसी काम को कर रहे हैं, अगर उससे कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग काम आपके पास आ गया तो पीछे वाला काम बोर हो जाएगा और नया वाला काम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बोरियत हमेशा दो चीजों के कंपैरिजन में आती है, एक ए और एक बी। अगर बी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो ए बोरिंग है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मान लो एक आपके पास किताब है और एक मोबाइल की रील्स है, ठीक है, कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है? किताब ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोबाइल के रील्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो किताब बोरिंग है, इसका मतलब किताब बोरिंग इसलिए है कि समथिंग इज देयर विच इज मोर इंटरेस्टिंग। अगर उसको हटा दिया जाए तो किताब इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे उससे इंटरेस्टिंग। तो जब से ये डिजिटल टॉक्सिफिकेशन हुआ है, बोरियत नाम की चीज अचानक से बढ़ गई है, एकदम बूम कर रही है। हर किसी इंसान को बोर लग रहा है, लाइफ बोर लग रहा है, पढ़ाई बोर लग रहा है, सब बोर लग रहा है, केवल एक ही चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है, मोबाइल।